जय हिंद साथियों। तो लेकर आया हूं आज पूर्व मध्य काल के भारत के इतिहास के क्वेश्चंस। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो है, 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? 712 ईस्वी में दाहिर यहा या दाहिर या चर्च या राय सहसी। तो इसका सही आंसर है साथियों ऑप्शन बी दाहिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? अफगान, मंगोल, अरब या तुर्क? तो यह था अरब। पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में से किसने लिखा था? भवभूति ने, जयदेव, चंद्र बरदाई या बाण भट्ट? तो ये जो लिखा था साथियों ऑप्शन सी चंद्र बरदाई। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? श्रवणबेलगोला, पारसनाथ पर्वत, इंदौर या आबू पर्वत? माउंट आबू पर्वत, राजस्थान। तो ये जो है ऑप्शन डी आबू पर्वत। नेक्स्ट क्या है, खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण किसने किया था? होलकर, सिंधिया, बुंदेला राजपूत या चंदेल राजपूत? तो साथियों ये जो किया था चंदेल राजपूतों ने किया था। नेक्स्ट, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो विजय स्तंभ कहाँ स्थित है, देहली, झांसी, चित्तौड़गढ़ या सीकरी? तो ये है ऑप्शन सी चित्तौड़गढ़। नेक्स्ट, सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? कौन था गुजरात का शासक? भीमदेव प्रथम या द्वितीय या मूलराज प्रथम या मूलराज सेकेंड? तो आप इस साथियों इसका जो सही आंसर है वो है भीमदेव प्रथम। नेक्स्ट, हिंदू विधि पर एक पुस्तक मितछारा किसने लिखी? तो मितछारा पुस्तक किसने लिखी हिंदू विधि पर? नयचंद्र, अमोघवर्ष, विज्ञानेश्वर या कम्बन? तो ये जो साथियों लिखी है ऑप्शन सी विज्ञानेश्वर। ब्लैक पगोडा है, तो ब्लैक पगोडा क्या है, मिस्र में या श्रीलंका में है या कोणार्क में है या मदुरा में है? तो ये जो है साथियों ऑप्शन सी कोणार्क में है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो है, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उसके पति का नाम है, तो उसके पति का नाम क्या है? महाराणा प्रताप सिंह, रणजीत सिंह सॉरी, या राजा मान सिंह या राणा रतन सिंह? तो ये जो है साथियों ऑप्शन डी राणा रतन सिंह। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है, तो विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का क्या नाम है? देवपाल, धर्मपाल, नयपाल या नरेंद्रपाल? तो ये जो है साथियों ऑप्शन बी धर्मपाल। गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी भाषा को अलंकृत करते थे? धर्मपाल या देवपाल या विजय सेन या लक्ष्मण सेन? तो ये जो करते थे ऑप्शन डी लक्ष्मण सेन। भारत में प्रथम आक्रमणकारी था, तो कौन था प्रथम आक्रमणकारी? कुतुबुद्दीन ऐबक, महमूद गजनवी या मोहम्मद बिन कासिम या मोहम्मद गौरी? तो ये जो था साथियों ऑप्शन सी मोहम्मद बिन कासिम। नेक्स्ट क्या है, पाल वंश का संस्थापक था, तो पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल, धर्मपाल या देवपाल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर है साथियों ऑप्शन ए गोपाल। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट क्या है, पाल वंश की राजधानी थी, तो पाल वंश की राजधानी क्या थी? मुंगेर, कन्नौज, दिल्ली या इनमें से कोई नहीं? तो ये जो थी साथियों वो थी मुंगेर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्या है, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था, कौन था? दंती दुर्ग या गोविंद तृतीय या कृष्ण फर्स्ट या इंद्र थर्ड? तो ये था दंती दुर्ग ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्या है, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी, तो राष्ट्रकूट वंश की राजधानी क्या थी?
मान्यखेत, कन्नौज, दिल्ली, पाटलिपुत्र। तो ये जो थी मान्यखेत। कर्पूर मंजरी नाटक के रचयिता राजशेखर को किस प्रतिहार ने संरक्षण दिया? कर्पूर मंजरी नाटक, नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय, या महेंद्रपाल प्रथम, या मिहिर भोज? तो ये जो दिया था महेंद्रपाल प्रथम। सेन वंश के संस्थापक कौन थे? सामंत सेन, विजय सेन, या बल्लाल सेन, या इनमें से कोई नहीं? तो ये जो थे ऑप्शन ए, सामंत सेन। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट जो है, श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा था। तो कौन था सबसे प्रतापी राजा? राजराजा प्रथम, या राजेंद्र प्रथम, या राजेंद्र सेकेंड, या विक्रम चोल? तो ये जो साथियों था राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन बी। अब साथियों, कल मैं लेके आऊंगा आपके लिए सल्तनत काल के क्वेश्चन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।